नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय बजरंगबली। आज हम आपको बताएंगे हनुमान चालीसा के वो नियम जो शायद कुछ लोगों को ही पता होगा कि वो क्या नियम है जिसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं लेकिन हम पर कोई असर नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा हनुमान चालीसा पढ़ने से। आप सभी को बता दें कि बजरंगबली एक ऐसा देवता है जो सारे युगों में रहे हैं और वो कलयुग में भी विराजमान है और पूजे जा रहे हैं, क्योंकि बजरंगबली को श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा था कि आप कलयुग में भी जाना और भक्तों की रक्षा करना। इसी प्रकार से बजरंगबली हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी सच्चे दिल से कोई इंसान बजरंगबली को पुकारता है तो वो उनकी रक्षा करने के लिए ज़रूर आते हैं। अपने सच्चे मन से अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हो तो बजरंगबली आपकी ज़रूर सहायता करते हैं। जो भी आप कुछ मांगते हो वो अवश्य देते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग हनुमान चालीसा का जाप करते हैं लेकिन वो गलतियां कर देते हैं, इसी प्रकार से उनको हनुमान चालीसा का लाभ नहीं मिलता है। आप सभी को बता दें कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको हमें नहीं करनी है। अगर आप सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का जाप करते हो या फिर बजरंगबली को सच्चे दिल से पूजते हो, आप सभी को बता दें कि आपको किस प्रकार से हनुमान चालीसा का जाप करना है और बजरंगबली को किस प्रकार से हमें खुश करना है जिससे वो आप पर मेहर बरसाते रहें। आज हम आपको ये सब बात बताने वाले हैं कि जो हनुमान चालीसा है उसका जाप कैसे करना है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति घर की ज़्यादा खराब चल रही है या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है तो आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रहे, घर में कब आप सभी को लहसुन प्याज बंद करनी होगी। लहसुन प्याज आप घर में यूज नहीं करोगे जब तक आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो। दूसरी बात, घर में सब्जी वगैरह नहीं बनेगी। वो आप समझते होंगे कि मांस की सब्जी नहीं बनानी है और ना ही आपको घर में किसी भी सदस्य को मदिरा का सेवन करना है, क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो और घर के अन्य सदस्य ये सब्जी या फिर मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा के जाप का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका उल्टा असर आपके परिवार पर पड़ेगा, क्योंकि एक तो भगवान का भजन कर रहा है और दूसरा घर में ये सब कर रहा है। इस वजह से घर में सुख शांति भी भंग हो सकती है। ध्यान रहे, अगर आप करना चाहते हो और घर के अन्य सदस्य हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहते तो ऐसी स्थिति में आप बजरंगबली के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हो। घर में आप बिल्कुल नहीं कर सकते, घर में करने से आप पर उल्टा असर पड़ सकता है। अच्छा, ध्यान दीजिए, आप जब भी आप बजरंगबली की हनुमान चालीसा का जाप करते हो तो पूर्ण रूप से नेक विचार वाले बन के पवित्र होकर तभी आप हनुमान चालीसा का जाप करें। बजरंगबली एक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी था, इसी प्रकार से आपको किसी भी औरत के प्रति या फिर औरत को किसी मर्द के प्रति गलत विचार नहीं लाने हैं अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हो तो, क्योंकि हनुमान चालीसा के जाप करने वाला इंसान पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए, उसका तन भी मन भी, तभी उसकी हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई लाभ हो पाता है। अगर आप लाभ पाना चाहते हो तो ये सब चीज़ें मन से त्याग देनी है। दूसरी बात ध्यान में रखना है, आपको किसी भी जीव को सताना नहीं है और ना ही किसी को कटु शब्द बोलने हैं। अगर आपने कटु शब्द बोले हैं किसी को भी और फिर आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है हनुमान चालीसा के जाप करने का, क्योंकि जो हनुमान चालीसा का जाप है वो सब व्यर्थ हो जाता है जब आप किसी को कटु शब्द बोलते हैं। और बजरंगबली इस चीज़ को लेकर नाराज़ हो जाते हैं, वो आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अपने से बड़ों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ध्यान में रहे, अगर आप के घर में
कोई लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और उन पर आपको सिंदूर से जय श्री राम लिखना है और उनकी माला बनानी है पीले धागे से, और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को वो माला अर्पित करें। आपके घर में जो बंदा बीमार चल रहा है उसकी सेहत में काफ़ी फर्क होगा और वो धीरे धीरे से बजरंग बली के आशीर्वाद से वो ठीक होने लग जाएगा। इसी प्रकार से आप ये सब कर सकते हो। ध्यान दीजिए, अगर आप विश्वास करते हो तो ही आप ये सब करना, अन्यथा मत करना। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। जो इंसान विश्वास करता है भगवान पर, उसकी सारी ज़रूरतें और सारा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। अगर आप विश्वास करो तो ही बजरंग बली की चालीसा का जाप किया करो। जाप करने के यही फायदे होते हैं। जय बजरंग बली।